नमस्कार, आप देख रहे हैं IDP24 न्यूज। मैं हूं विराट दुबे। अतिथि व्यय कथा समूह छत्तीसगढ़ ने भारतीय जन जागरूक संघ द्वारा दुर्ग में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने का प्रयास किया है। आपको बता दें, इनकी प्रमुख रूप से मांग है कि छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति न होने की वजह से प्रदेश के 252 महाविद्यालयों में पढ़ाई बाधित हुई है। दुर्ग संभाग के सभी शासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई नहीं होने से छात्र बेरंग लौट रहे हैं। कई महाविद्यालयों में छात्रों ने कक्षा का त्याग कर दिया है, तो वहीं अर्धवार्षिक परीक्षा में भी एक माह के बाद संभावित है, इससे छात्र हलाकान है। समूह के पदाधिकारी शरद तिवारी ने बताया कि नियुक्ति आदेश में आने वाली बाधाओं के लिए संकट मोचन चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है। दुर्ग संभाग के छात्रों, अतिथि व्याख्याता एवं राम भक्तों के सहयोग की अपील पर भारतीय जन जागरूक संघ द्वारा की गई है। एक सप्ताह में शिक्षण व्याख्याता सुचारू रूप से संचालित न होने पर इनके द्वारा सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया जाएगा। तो रोचक और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज पर। और हाँ, हमें YouTube में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।